हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। प्रदेश भर में चल रही हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में बोर्ड के लाख दावों के बाद भी नकल रुकने का नाम नहीं ले रही। आलम यह है कि खुद बोर्ड चेयरमैन हर रोज अपने निरीक्षण के दौरान एक या दो केंद्रों पर परीक्षाएं रद्द कर स्टाफ को रिलीव कर रहे हैं। एक दो या 10-20 नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में फटे पुराने कागज पर जो नकल है जो बोर्ड परीक्षाओं में आए सवालों का उत्तर है। ये सब बुधवार को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगवीर सिंह के सामने आया नजारा है, जब वो सोनीपत जिला के कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण रहे थे। निरीक्षण के दौरान हर जगह चेयरमैन को अनेक खामी व अनियमितताएं मिली। ये अपने आप में न केवल बड़ा सवाल है बल्कि शिक्षा बोर्ड के नकल रहित परीक्षा करवाने के दावे को धता बताता है। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगवीर सिंह ने बताया कि आज उन्होंने सोनीपत जिला के करीब 10 परीक्षा केंद्रों का दौरा किया। दौरे के दौरान कई परीक्षा केंद्रों पर अनियमितता व परीक्षा की सूचित भंग मिली, जिसके चलते फरमाना के परीक्षा केंद्र पर आयोजित आज की परीक्षा रद्द कर इस परीक्षा केंद्र को खरखोदा शिफ्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि साथ ही फरमाना परीक्षा केंद्र के स्टाफ को भी रिलीव कर दिया गया है। आज लगभग 10 परीक्षा केंद्रों का दौरा किया और मैंने आज अपना सांगी से प्रारंभ करके गन्नौर में समाप्त किया है। उसमें रास्ते में भैंसवाल कला, फरमाना, सिसाना और खरखोदा 1-2-5 इन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा की सूचिता भंग करते हुए और धारा 144 भी भंग करते हुए विद्यार्थी दिखाई दिए, तो ऐसे केंद्रों की परीक्षा रद्द कर दी गई है और फरमाना का परीक्षा केंद्र भी शिखर को दम शिफ्ट कर दिया गया है। तो बाहर से मॉब और फिर मॉब के द्वारा पर्ची सोल करके पेपर आउट करके खिड़की से करते हैं, जिस भी तरीके से वो करते हैं, और फिर उसके सोल के हुए उत्तर प्राप्त होना कोड अनुसार उसके आधार पर परीक्षा रद्द कर दी गई। फरमाना का सेंटर है जो उसमें जो परीक्षा दे रहे थे और जो स्टाफ भी रिलीव, उसमें आज जितने भी परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे थे उन सब की परीक्षा आज की रद्द कर दी गई और उस स्टाफ को रिलीव कर दिया गया। शिक्षा बोर्ड के लाख दावों के बाद भी परीक्षाओं में नकल रुकने का नाम नहीं ले रही। प्रदेश भर के ये हालात न केवल बोर्ड के प्रबंधों बल्कि शिक्षा विभाग पर भी सवाल है, क्योंकि साल दर साल शिक्षा विभाग शिक्षा के स्तर को सुधारने के जो दावे करता है वो परीक्षाओं में हवा हवाई होते देखे जाते हैं।